प्रेम विवाह के सबसे कारगर उपाय के लिए तुरंत आप पंडित जी से संपर्क करें, आप पंडित जी से संपर्क करें, पंडित शंकर लाल तांत्रिक जी से, जिनका नंबर है 0729696-3232। आज हम आपके लिए लेकर आए वशीकरण मंत्र लव मैरिज या फिर प्रेम विवाह के लिए। आप अगर अपने पति को वश में करना चाहती हैं, तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सिर्फ एक ऐसी तस्वीर जिससे आप अपने पति को वश में कर सकती हैं। आपके पति आपसे प्यार नहीं करते क्या? आपके पति का अफेयर चल रहा है? आपके पति की जिंदगी में कोई दूसरी औरत आ गई है? तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखें जानने के लिए इसका एक सरल सा उपाय। जी हाँ दोस्तों, आजकल कई लोग इस वजह से परेशान होते हैं कि उनके पति उनकी बात नहीं सुनते, या फिर अगर सुनते भी हैं तो अनदेखा कर जाते हैं। ग्रह दोषों को दूर करने के लिए आप अपने बेडरूम में एक ऐसी तस्वीर लगा सकते हैं जिससे कि आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। ज्योतिष की माने तो कई बार लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर इन सब का कारण कुंडली में चल रहे ग्रहों का दोष होता है। ग्रह दोष के चलते व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी के जीवन में वैवाहिक परेशानियां हो रही हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। पति पत्नी के प्रेम के प्रतीक राधा कृष्ण की सुंदर तस्वीर अपने बेडरूम की दीवार पर लगाएं। अगर तस्वीर लाल रंग की फ्रेम में बनी हो तो और भी अच्छा। इससे पति पत्नी के बीच की परेशानियां खत्म हो जाती हैं, साथ ही बुरा समय भी दूर हो जाता है। घर में जिस दीवार पर राधा कृष्ण की तस्वीर लगी हो, ठीक उसके सामने वाली दीवार पर पति पत्नी को अपनी तस्वीर लगानी चाहिए। राधा कृष्ण को अटूट प्रेम का प्रतीक कहा जाता है, इसीलिए उनकी तस्वीर ऐसी जगह लगाएं जहां सुबह शाम आपकी नजर पड़ती रहे। इससे पति पत्नी के बीच का प्रेम बढ़ता है। ध्यान रखें, राधा कृष्ण की तस्वीर बेडरूम में लगाएं। इसमें राधा कृष्ण के अलावा अन्य गोपियां ना हो। सुबह शाम पति पत्नी इस तस्वीर का दर्शन करें तो उनका मानसिक तनाव कम होगा, साथ ही आपसी प्यार और विश्वास भी बढ़ेगा। आप पंडित जी से संपर्क करें, पंडित शंकर लाल तांत्रिक जी से, जिनका नंबर है 0729696-3232। आपकी राय और सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। देखते रहें वशीकरण स्पेशलिस्ट।